प्रिय साथियों, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन में समर्पण और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज से 65 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित राइफलों व मोटरों से लैस चीनी सैनिकों ने छल पूर्वक हमारे क्षेत्र में घात लगाकर अचानक गश्ती दल पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साधारण शस्त्रों के बावजूद पुलिस दल की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए केंद्रीय पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं अमर वीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का इतिहास स्वर्णिम एवं गौरवशाली रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल एकल कमान के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में उच्च कोटि का अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना ऐसे कार्य हैं जिनमें पुलिस कार्मिकों को न केवल निरंतर सजगता व सतर्कता बरतनी होती है बल्कि प्रत्येक क्षण नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक कर्तव्य की वेदी पर 214 पुलिसजनों ने अपने प्राणों का निछावर किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसजन क्रमशः आरक्षी रोहित कुमार जनपद फतेहगढ़ व आरक्षी सचिन राठी जनपद कन्नौज सम्मिलित हैं। कर्तव्य पालन में आत्मबलिदान करने वाले इन वीर जवानों के पराक्रम से प्रदेश का संपूर्ण पुलिस बल गौरवान्वित है। हमारे वीर जवानों का यह बलिदान उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं जनसेवा के प्रति संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्र आपके सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। आपकी वीरता की यशोगाथाएं भावी पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद सभी वीर जवानों को मैं भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं तथा उनके परिवारीजन को अपनी तरफ से मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में प्रदेश भर में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मिशन मोड में कार्रवाई करते हुए पिछले 14 महीने में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 55,000 से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हित 68 कुख्यात माफियाओं और उनके सहयोगियों द्वारा अपराधिक कृत्य से अर्जित की गई 4,043 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के ध्वस्तीकरण एवं जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु समस्त कमिश्नरेट एवं जनपद में 75 क्राइम थाने जो कि केवल साइबर से रिलेटेड हैं इनकी स्थापना की गई है। यूपी 112 के माध्यम से पुलिस की गतिशीलता को बढ़ाते हुए उसका रिस्पांस टाइम घटकर लगभग 8 मिनट हो गया है। सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक नई पहल करते हुए यूपी 112 ने पीड़ितों की मदद के लिए और अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जन जागरूकता का एक अभियान एक पहल के नाम से शुरुआत की है जिसमें कॉलर के नंबर को गोपनीय रखा जा रहा है। मैं पुनः पुलिस स्मृति दिवस पर अपनी व प्रदेश पुलिस की ओर से इन सभी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव उनके साथ है।
मैं उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी अपनी संपूर्ण शक्ति एवं निष्ठा एवं समर्पण से उनकी सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव कटिबद्ध एवं तत्पर है। जय हिंद।